मम्मी टू बी आलिया भट्ट अपने इंटरव्यूज में रणबीर कपूर के बारे में बात करना कभी नहीं भूलती हैं, पर उन्होंने बहुत ही क्यूट सी बात रणबीर कपूर के मुतालिक इस टाइम पर जो कि सोशल मीडिया पर उनके फुट मसाज यानी कि उनके पैरों का मसाज रणबीर कपूर करती हैं, ये बात सोशल मीडिया की सेंसेशन बनी हुई है। उसके मुतालिक जब एक पेपराजी ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुपर क्यूट कन्वर्सेशन उनकी जुबानी सुनाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। आपको बताते चलें यहीं पर आलिया भट्ट के बारे में। तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जो कि 14 अप्रैल को शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे और शादी के फौरन बाद तकरीबन 3 महीने बाद ही उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की, जो कि इस टाइम पर आलिया भट्ट अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट के टाइम पर हॉलीवुड की मूवी हार्ट ऑफ स्टोन की डेब्यू करने के लिए अमेरिका गई हुई थी। वहीं पर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए। वहीं पर अब अपनी मम्मी टू बी की जर्नी में, अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में मुकम्मल तौर पर काम करते हुए सुपर क्यूट लुक देते हुए वाकई मोटी तो लगती है लेकिन वाकई बहुत ज्यादा ग्लो, प्रेगनेंसी ग्लो इनके चेहरे पर नजर आता है। एक उन्होंने जब पूछा गया इस इंटरव्यू में डार्लिंग की प्रमोशन करते हुए, जो कि उनसे पूछा गया कि आप इस टाइम पर जो कि बहुत ज्यादा बात मशहूर है कि आपका मसाज, फुट मसाज रणबीर कपूर करते हैं, उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि रणबीर कपूर मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और अब प्रेगनेंसी की टेन्योर में तो पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मेरे फुट मसाज करते हैं, लेकिन वो ऐसी बहुत और सारी चीजें करते हैं जिससे मैं अपने आप को फील स्पेशल महसूस करती हूँ। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका हस्बैंड आपका फुट मसाज करे तो तभी वो आपकी केयर करता है, इसके अलावा भी वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे मैं अपने आप को उनकी शादी के बाद, उनकी पत्नी बनने के बाद अपने आप को स्पेशल फील करने लगी हूँ। और फैंस भी उनकी ये बात वाकई बहुत अच्छी लगी कि दरअसल पत्नी का यही हक होता है कि वो अपने हस्बैंड को इतना ज्यादा ना झुकाए और ना ही पब्लिक में सिर्फ पब्लिक स्टंट बनाने के लिए बातें कहीं, और फैंस भी उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। आपको आलिया भट्ट के बीबी के आने का कितना वेट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।